आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों जो साथी स्थानांतरण की राह देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले जल्द होंगे, लखनऊ से दोस्तों खबर है और ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक निश्चित रूप से पहुंच चुकी होगी, लेकिन आज के समाचार पत्रों में भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले ग्रीष्मावकाश में करने की तैयारी है, इस दौरान शिक्षकों के परस्पर तबादले भी किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर की भी बात की जा रही है। परिषदीय स्कूलों में 2020 के बाद से सहायक अध्यापक के अंतरजनपदीय तबादले नहीं हुए हैं, 2021 में प्रस्तावित परस्पर तबादले भी नहीं हो सके। शिक्षकों की ओर से लगातार अंतरजनपदीय और परस्पर तबादलों की मांग की जा रही है। शिक्षक संगठन भी विभाग पर तबादले को लेकर दबाव बना रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तर से मिले निर्देश के बाद महकमे में अंतरजनपदीय तबादले की वकायत शुरू की गई है। तबादले स्थानांतरण नीति के अनुसार ऑनलाइन ही किए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों वर्तमान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी का कहना है, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादलों की जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, स्थानांतरण का मामला लंबित नहीं रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये विचारणीय है कि आज ये जो घोषणाएं हो रही हैं, जो सुनने को मिल रहा है, क्या ये मूर्त रूप लेती हैं या नहीं। और इस संदर्भ में आप जानते हैं कि पिछले वर्ष तत्कालीन बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी ने कई बार तबादलों की बात कही थी, चाहे अंतरजनपदीय की बात हो या फिर ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर की बात हो। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे लेकिन उसका प्रतिफल शून्य रहा। तो उम्मीदें हैं संदीप सिंह जी से कि इस बार स्थानांतरण अवश्य हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। सीएम योगी का विधायकों को बड़ा आदेश। तो दोस्तों लगातार दूसरी बार सत्ता में आए सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद योगी ने मंत्रियों और अफसरों संग महत्वपूर्ण बैठक करके जरूरी आदेश दे चुके हैं। लखनऊ से एक खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 4 अप्रैल को श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने गुरुवार को एक बैठक में सभी विधायकों अधिकारियों को स्कूलों को गोद लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पुराने विद्यार्थियों सीएसआर की मदद ली जाएगी। अगले 5 साल में 1 करोड़ नए छात्रों के पंजीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है। स्कूल चलो अभियान में कम साक्षरता वाले जिलों पर फोकस रहेगा, वहां के स्कूल के लिए अभियान में अलग रणनीति तय की जाएगी। श्रावस्ती की साक्षरता दर प्रदेश में सबसे कम है, इसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 1.58 लाख प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल चलो अभियान में शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अभियान से सभी जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों यहाँ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये आदेश है, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यहाँ हम अगर डेट की बात कर ले तो 30 मार्च 2022 का डेट है। विषय है शैक्षिक सत्र 2022-23 स्कूल चलो अभियान के संचालन के संबंध में ये आदेश दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों 28 मार्च 2022 को जो शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्कूल चलो अभियान के संचालन के संबंध में समस्त जनपदों को जो विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे उसी के संदर्भ में बात कही जा रही है। और इस आदेश के मूल सार की बात करें तो यहाँ पे सीधे तौर पर ये कहा गया है कि एक जनपद को 2 लाख रुपए भेजे गए हैं स्कूल चलो अभियान में खर्च करने के लिए। और नीचे की तरफ ये कहा जा रहा है कि उक्त धनराशि का तत्काल उपभोग करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना तथा व्यय धनराशि को प्रबंध पोर्टल पर अंकित कराना सुनिश्चित करें। बहुत ये रोहित त्रिपाठी अपर परियोजना निदेशक। तो दोस्तों इस सत्र में स्कूल चलो अभियान पे काफी जोर है और ये क्या रंग लाता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों कोविड के मामले लगातार घटते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि मास्क न लगाने पर अब जुर्माना नहीं, यूपी ने महामारी एक्ट का नहीं किया विस्तार। और इस समाचार को प्रमुखता से समाचार पत्रों में भी आज प्रकाशित किया गया है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ से एक खबर है, प्रदेश में सब सार्वजनिक जगहों पर मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा, यूपी सरकार महामारी एक्ट की अवधि और नहीं बढ़ाएगी, इसकी मियाद गुरुवार को पूरी हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद प्रदेश में कोविड महामारी से संबंधित पाबंदियां हटाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।